सो गाइस इस तरह ये नहीं चलेगी। अब देख सकते हैं यहाँ से हमने वहाँ तक पूरी पटरी बिछा दी है हमारी एक गाड़ी को चलने वाली। ट्रेनें तो हमारी पटरी के ऊपर चलती है बट आज हमारी गाड़ी पटरी के ऊपर चलेगी। अब देख सकते हैं हमने दो रस्से बांध दिए और वहाँ तक इस रस्सों को पहुँचा दिया है। अब इसके ऊपर गाड़ी चलने वाली है। अब सोच रहे होंगे कि गाड़ी इस रस्सों पर किस तरह चलेगी, बट ये ऐसे नहीं चलेगी, हमें इनके टायर को निकालना होगा। जी हाँ, इन टायर को हम निकाल देंगे और उसके बाद में जो इसकी अलाई व्हील है ना उसके ऊपर ये हमारी गाड़ी चलने वाली है। हमें इस टायर को ऊपर से निकालना होगा, उसके बाद में इसकी जो रिंग है उसकी मदद से हमारी गाड़ी इस रस्सों के ऊपर चलेगी और किस तरह से वर्किंग करेगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना। तो चलिए जल्दी से इसके टायर को निकाल देते हैं और उसके बाद में इस गाड़ी को चलाते हैं इसके ऊपर। पटड़ी हमारी बिछ चुकी है, अब गाड़ी के टायर निकालते हैं और उसके बाद में इसको चलाते हैं। तो चलिए निकालते हैं टायर को। तो गाइस ये रहा इसका टायर, इस तरीके का टायर है, आप देख सकते हैं इसका एक टायर निकल गया है, दूसरे को निकालते हैं। ये आ चुका है दूसरा टायर, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो गई है टायरों के अंदर जब हमने पिछली वाली वीडियो बनाई थी ना। अब देख सकते हैं इसका टायर, देखिए अलॉय व्हील कितनी भारी है गाइस, थार है पूरी, इतने भारी अलॉय व्हील है इसके। ये रहे इसके चारों महिंद्रा के टायर। अब हमारी गाड़ी इसके ऊपर देखी, राइट तो गाइस गाड़ी इसके ऊपर आ चुकी है। अब ये रहा रिमोट, तो चलिए 3 2 1 करते हैं, कर दो। अरे यार इसके नीचे से ऑन करना भूल गया। सो गाइस गाड़ी ऑन हो चुकी है, ओह तो चल रही है गाड़ी, इधर इधर झुक रही है, लगता है रास्ता ढीला है इसका। एक मिनट गाइस इसको टाइट करते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं। गई 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 गाड़ी। अब देख सकते हो टायर कैसे हो गए, ओहो देखना रिमोट दबाता हूँ, ओह वो गई 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 गाइस अच्छी तरह से चल तो रही है बट ओ माय गॉड गाइस यार हमारी गाड़ी जो है ऊपर से गिर चुकी है और ये नीचे से टूट चुकी है। शिट क्या टूटा भाई गाड़ी का, ओ शिट यार गाइस गाड़ी की अलॉय व्हील टूट चुकी है और ये पता नहीं कहाँ से ओहो आगे से टूट चुकी है मतलब। सो गाइस यार गाड़ी ऊपर से गिर चुकी है और ये थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है गाड़ी हमारी, तो चलिए एक बार फिर से वापस लगाते हैं इनको। इसका हमारा गाड़ी का एक टायर भी टूट चुका है जिससे ये इसके ऊपर, क्योंकि हमारी जो ये हमारी पटड़ी है ना गाइस काफ़ी लंबी है, आप देख सकते हैं इसकी लंबाई देखिए आप कितनी दूर तक है, जैसे इसके ऊपर गाड़ी का वजन पड़ता है ना उसके बाद ये पटड़ी जो हमारी नीचे की तरफ चली जाती है, आप देख सकते हैं जैसे इस पर वजन पड़ता है ये इधर उधर ऐसे इस तरह से हो जाती है, इसी वजह से ये अच्छी तरह से वर्किंग नहीं कर पा रही। रेड गाइस देखा आपने हमारी पटड़ी के ऊपर अपनी गाड़ी जो है ना अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन यहाँ से तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से चलती है, जैसे बीच में जाती है ना डगमगा जाती है, इसका बैलेंस खराब हो जाता है क्योंकि बीच के अंदर कोई सपोर्ट नहीं है गाड़ी का और बीच के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जाते ही गाड़ी कुछ इस तरीके से लौटने लग जाती है। अभी भी आप देख सकते हैं गाड़ी का पूरा बैलेंस जो है एक साइड जा चुका है और बीच में गाड़ी बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं चल पा रही है और हमारी गाड़ी जो है ना पिछला हमारा जो पिछला वाला बड़ा वाला जो जो हमारा बड़ा वाला जो हमने पटड़ी बनाई थी ना उस पटड़ी के ऊपर से हमारी गाड़ी जो है नीचे की तरफ गिर गई थी, उसकी वजह से हमारी गाड़ी की यह हालत हो चुकी है। उसका एक टायर टूट चुका था, बैटरी का जो लॉक है वो टूट चुका था, इसीलिए हमने यहाँ पे छोटा सा एक पटड़ी बनाई और उसके ऊपर इसको चलाने की कोशिश करी, बट इसमें भी जैसी गाड़ी यहाँ पे जाती ना उसके बाद में इस तरीके से हिलने लग जाती।
और उसके बाद आपको सामने हमारी गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की। ये इसका लोब भी खराब हो चुका है और इसका आगे का टायर भी टूट चुका है। आप देख सकते हैं यह बंद टूट चुका है, आप देख सकते हैं अभी ये बंद ही नहीं हो रहा। ये हो चुका हमारी गाड़ी की हालत। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी जरूर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इस मिनी कार के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।